हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल घर की रसोई में। आज हम आप सभी के सामने लेकर आई हूँ गोंद के लड्डू की रेसिपी। जिन लोगों को कमर दर्द रहता है या फिर घुटनों का दर्द रहता है, उन सभी के लिए ये लड्डू तो रामबाण का काम करते हैं। हमने इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट डाले हैं जिनको नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गोंद के लड्डू बनाने के लिए चाहिए हमें ये सामग्री। 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, 1 बड़ी कटोरी और 1 छोटी कटोरी, थोड़ा सा घिसा हुआ नारियल लिया है, 1 मुट्ठी काजू, 1 चम्मच खरबूजे के बीज, 1 चम्मच चिरौंजी, 1 मुट्ठी बादाम, गोंद थोड़ा सा लिया है और इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, चीनी को हमने पीस लिया है। गैस ऑन करके हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें हमने थोड़ा घी डाला है। घी को हमने जितना आटा लिया है बड़ी कटोरी का, उतना ही हमने घी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके हम उसको यूज़ करेंगे। थोड़ा घी डाल दिया है और थोड़ा सा ही गोंद डाल के उसमें भूनेंगे, एक साथ गोंद नहीं डालेंगे। गोंद को टुकड़े में इसलिए तोड़ लेते हैं पहले से, ताकि गोंद अच्छे से अंदर तक सिक जाए, नहीं तो चमूचा अगर डालेंगे गोंद तो अंदर तक सिक नहीं पाता है। ये छोटी छोटी सी बारीक सी बातें हैं जिसे अगर ध्यान रखें तो गोंद के लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे बनते हैं। मीडियम गैस पर ही हम गोंद को भूनेंगे, तेज़ गैस पर गोंद जल सकता है और अंदर तक नहीं सिकेगा, इसलिए मीडियम गैस पर ही गोंद को भूनना है हमें। गोंद के लड्डू हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और जोड़ों में होने वाले दर्द को दूर करते हैं, इसलिए लड्डू ज़रूर खाएं। गोंद में चटकने की आवाज़ आ रही है, अब गोंद लगभग भुन चुका है, हम इसे अब निकाल लेंगे प्लेट में। इस गोंद के लड्डू में इतने सारे ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, जैसे काजू, बादाम और भी ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, जो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं। इस कोरोना काल में ऐसी ही इम्यूनिटी की ज़रूरत है और अपने रोज़मर्रा के जीवन में इसको ज़रूर से शामिल करें। ठीक उसी तरह से बाकी का गोंद भी हम भून लेंगे। इन लड्डुओं में हमने और भी चीज़ों को शामिल किया है, उसको हम आगे बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, स्किप करके ना देखें। तलते समय घी का इस्तेमाल एक साथ ना करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। एक साथ करेंगे तो घी की महक उतनी अच्छी नहीं रह जाती। बच्चे हो या बड़े हो, सभी लोग खाने की तरफ से लापरवाह हैं और सभी लोगों को खाने से जो पौष्टिक तत्व तो पहुंचना चाहिए वो शरीर में नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इन लड्डुओं को बनाकर आप रख लें। तो ये गोंद के लड्डू सुबह उठकर आप भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं और अपने शरीर की सारी प्रॉब्लम को दूर करें। घी तलते हुए थोड़ा कम हो गया था तो हमने घी बढ़ा दिया है, अब इसमें हम गोंद का तीसरा भाग फ्राई करेंगे। घी थोड़ा गर्म हो गया है, अब हम इसमें गोंद का बाकी का हिस्सा भी डाल देंगे और इसको उसी तरह से मीडियम आंच पर चलाते हुए भून लेंगे। जैसे ही घी में हम गोंद डालेंगे, थोड़ी देर बाद उसके चटकने की आवाज़ आने लगती है। देखिए चटक रहे हैं, आवाज़ आ रही है। हम अगर कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे हैं तो फ्राई करते समय सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए। गोंद लगभग भून के तैयार हो गया है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। गोंद को निकालने के बाद अब हम कढ़ाई में बादाम डालेंगे, बादाम को भी हम मीडियम आंच पर भून लेंगे। थोड़े से बादाम हमने अभी रोक लिए हैं, उसको बाद में फ्राई करेंगे, क्योंकि घी में इतने ही बादाम सही लग रहे थे भूनना। आप सोच रहे होंगे कि क्या ड्राई फ्रूट्स हम कच्चे यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हमारा सोचना ये है कि कच्चे ड्राई फ्रूट्स अगर लड्डू में पड़ेंगे तो अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। अगर हम ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा फ्राई कर लें या भून लें तो ड्राई फ्रूट्स पड़ने के बाद लड्डू में जो मुँह में आते हैं तो उसका क्रंचनेस बहुत ही अच्छा लगता है। बादाम भून चुके हैं, अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। हमको बस इतना ही ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है बादाम को।
अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में और अपने फैमिली में, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। आप द्वारा किया हुआ एक लाइक एक सब्सक्राइब बढ़ा हुआ देखकर मेरा मनोबल बढ़ जाता है और वीडियो बनाने की प्रेरणा मेरी 4 गुना ज़्यादा हो जाती है। अब हम घी में जो मेरे बादाम बच गए थे उन बादाम को थोड़ी देर तल लेंगे। उसके बाद उसी में हम काजू भी डाल देंगे। काजू और बादाम दोनों को थोड़ी देर मीडियम आँच पर फ्राई करेंगे, फिर हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। गैस को सिम करने के बाद ही हम काजू बादाम को निकाल लेंगे और सिम गैस पर ही हम खरबूजे के बीज डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चटकते हैं, इसलिए अपने आप को बचाते हुए इसको निकालें धीरे धीरे। खरबूजे के बीज भूनते समय गैस पहले से ही धीमा इसलिए कर देते हैं क्योंकि ये जल्दी नहीं निकल पाते और जलने लगते हैं। इसको जलने से बचाने के लिए गैस सिम पर ही कर दें। घी में थोड़े से खरबूजे के बीज बचे रह गए हैं, अब हम इनको पूरा नहीं निकालेंगे। इसी में हम गेहूं का आटा पलट देंगे। गेहूं का आटा पलटने के बाद गैस हम फिर से मीडियम पे कर लेंगे और इसको चलाते हुए भूनते रहेंगे। हमें गेहूं का आटे को तब तक भूनना है जब तक इसमें से भीनी सी खुशबू ना आने लगे। आटा भूनते समय हमें घी थोड़ा कम लग रहा था तो हमने इसमें घी थोड़ा बढ़ा दिया है और इसको इसी तरह चलाते हुए हम मीडियम गैस पे भूनते रहेंगे। आटा भूनते हुए देखकर आपको लग रहा होगा कि घी तो इसमें अभी भी कम है, तो इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिए। घी तो कभी भी पिघलाकर आप मिला सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे तो चीज़ ज़्यादा नहीं होने पाएगी। ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई चीज़ हम खाते हैं तो वो मेरे शरीर को नुकसान करता है, इसलिए जिस जिस जगह पर हमको लगेगा घी कम लग रहा है तो हम घी की मात्रा बढ़ा देंगे और ठीक उतना ही घी डालेंगे जितना हमें ज़रूरत है। आटा भूनकर रेडी हो चुका है। अब इस आटे को हम बर्तन में निकाल लेंगे। बर्तन में निकालने के बाद उसी कढ़ाई को फिर से खाली करके गैस ऑन करके कढ़ाई को चढ़ा देंगे नारियल भूनने के लिए। नारियल को कढ़ाई में डालने के बाद गैस को हम सिम पे कर देंगे ताकि नारियल जलने भी ना पाए और उसके साथ साथ में हम दूसरे काम भी कर लें। इस तरह से करने से मेरे दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। बीच बीच में इसको भी चलाएंगे और जो हमने गोंद भून के रखा है उसको कटोरी की मदद से हम हल्का हल्का तोड़ लेंगे। मिक्सी में तोड़ने से ये बहुत ज़्यादा महीन हो जाएगा, इसलिए कटोरी से दबा कर हम इसको तोड़ेंगे तो उतना ज़्यादा महीन नहीं होगा, और मुझे महीन नहीं चाहिए, थोड़ा सा दरबड़ा सा चाहिए, जो मुंह में आएगा गोंद तो अच्छा लगेगा। देखिए गोंद को बस हमको इतना ही महीन करना है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे हैं उसको मिक्सी के जार में या फिर सिलबट्टे पे दरबड़ा सा तोड़ लेना है। मिक्सी के जार में भी हमें बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है, उसके थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए। अब एक बर्तन लेंगे बड़ा सा जिसमें ये सारी सामग्री एक साथ मिक्स करेंगे। गरी की गैस हमने बंद कर दी थी, अब इसमें सारी सामग्री हम मिक्स कर लेंगे। गरी जो हमने भूना वो भी डाल देंगे, चिरौंजी डाल देंगे। हमने चिरौंजी को फ्राई नहीं किया है, उसको ऐसे ही डाल देंगे। ड्राई फ्रूट जो हमने पीस के रखे हैं उसको मिक्स कर देंगे और चीनी हमने पीस के रखी है उसको मिलाएंगे। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना ये मिश्रण तैयार हुआ है, इस मिश्रण में ये जितनी चीनी दिख रही है सारी चीनी पड़नी चाहिए, लेकिन हमें कम मीठा चाहिए इसलिए हम इसकी आधी चीनी ही यूज़ करेंगे। अगर आप इसी नाप से बनाते हैं तो ये सारी चीनी आप डाल सकते हैं और मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मिलाने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तभी हमको पता चलेगा कि इसमें घी हमें कितना और मिलाना है। जितना घी मिलाना होगा उसमें मिलाकर फिर लड्डू बांधेंगे। इन सारी सामग्री को बहुत ही अच्छे से हर तरफ से चलाते हुए हमें मिक्स करना है, क्योंकि जब तक अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो चीज़ें सही नहीं बनेंगी। गोंद के लड्डू में हम 2 चीज़ें और शामिल करेंगे, खसखस और सौंठ। इन दोनों को गोंद के लड्डू में शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है।
सारे मिश्रण को मिलाने के बाद हमने 2 चम्मच इसमें घी और मिलाया है और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके लड्डू बांध रहे हैं। लड्डू आप जितने छोटे या बड़े जिस साइज़ के भी बनाना चाहें उस साइज़ के लड्डू आप बना सकते हैं। गोंद के लड्डू में किशमिश भी पड़ती है, हमने किशमिश नहीं डाला है, आप चाहें तो इसको डाल सकते हैं। गोंद के लड्डुओं को अगर हम कहीं बाहर दुकान पर लेने जाते हैं तो कहीं पे 600 रुपए किलो, कहीं पे 800 रुपए किलो लड्डू मिलते हैं और यही आप इसके आधे रेट में घर पे बना सकते हैं और सारी चीज़ें आपकी शुद्ध मिलेंगी और आप अपने आँखों के सामने बनाएंगी कि क्या चीज़ मिला रही हैं। गोंद के लड्डुओं को आप बना कर रख लें और इसको कई दिनों तक आप इंजॉय कर सकते हैं, इसको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने भी अगर गोंद के लड्डू बनाए हैं तो आपने किस तरह से गोंद के लड्डू बनाए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो लीजिए, खाने के लिए गोंद के लड्डू एकदम तैयार हैं, खाइए इंजॉय कीजिए। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स में, फैमिली में, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें, ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा कि ये लड्डू कैसे बने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।